top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. We have now titled as a IHGF Delhi Fair. This is a new title given to the regular Indian Handicraft and Gift Fair, which hitherto was being organized just with a segment of Indian Handicraft and Gift. This particular show is now dedicated to a larger basket than just limited to the handicraft and gift. That means a basket of the cottage crafts. So we have this time a coverage which includes handicraft gift and also carpet and textile based handicraft and also the jute handicraft. In fact, the fair is catering to four important segments, that is a home, lifestyle, fashion and gift. So अभी जो हमारा वर्तमान मेला है जिसे हम 38वां मेला कहते हैं, अगर हम इसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट फेयर की सीरीज में माने तो ये हमारा 38वां मेला है। लेकिन इस मेले का पिछले बार जब हमने इसकी शुरुआत की थी और आप लोगों के साथ सामने हमने बताया था कि अक्टूबर में जो मेला आने वाला है उसका प्रारूप पूरी तरह से नए तौर पर रखा जाएगा, तो उसका स्वरूप और प्रारूप जो है वो दोनों हम लोगों ने यहाँ पर IHGF दिल्ली फेयर के नाम से तैयार करके रखा है। पिछले 10 महीनों में एक बड़ी कड़ी मेहनत के बाद इस IHGF दिल्ली फेयर को तैयार किया गया है और उसके लिए इंडिया में और बाहर एब्रॉड लगभग कई दर्जनों रोड शो ऑर्गेनाइज किए गए हैं और उन रोड शो और पब्लिसिटी और वन टू वन मीटिंग उनके जरिए हम इस शो को नए तरीके से यहाँ पर लाए हैं। इसमें नयापन क्या है मैं उसके बारे में बड़े संक्षिप्त में बताऊंगा, उसके बाद मेरे साथ जो हमारे साथी बैठे हैं खासतौर पर माननीय अध्यक्ष महोदय और जो हमारे प्रेजिडेंट साहब हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं NPCH के, दोनों आपको विस्तृत तौर पर इसकी जानकारी देंगे। फेयर टोटल एरिया में पीछे से पिछले सालों से बड़ा है। पिछले साल के फेयर हमारे एशिया का लार्जेस्ट फेयर माने जाते थे, लेकिन चाइना को छोड़ करके हम लार्जेस्ट मानते थे क्योंकि चाइना में गंजाऊ में मेला होता था और वो जब गंजाऊ में मेला होता था वो मेला हम मानते थे हमेशा कि सबसे बड़ा मेला है। पिछले कुछ टाइम से अभी हाल में खासतौर पर उन्होंने उसको सेक्शनाइज किया है और मेन मेले को तोड़ करके चार हिस्सों में कर दिया है। हम उसकी गिनती से नहीं चल रहे, फेयर को अपने आप में हमने 1,20,000 स्क्वायर मीटर से बढ़ा करके 1,90,000 स्क्वायर मीटर किया और जब हम फेयर कह रहे हैं तो उसमें परमानेंट मार्ट और टेम्परेरीज दैट मीन जो हमने सेटअप किए हैं ये दोनों मिला करके 2700 एग्जिबिटर इस मेले के अंदर भाग ले रहे हैं और ये एग्जिबिटर पूरे देश से हैं और पूरे देश के लगभग हर कोने से इसमें अलग अलग एग्जिबिटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर खासतौर पर मैं कहना चाहूँगा विशेष तौर पर एक पूरा हॉल लाइटिंग के ऊपर लगाया गया है, 15 सेक्शन यहाँ पर हैं और एक लाइटिंग का कंप्लीट हॉल है, डेकोरेटिव एक्सेसरी के अलग से हॉल है, हाउसवेयर का अलग हॉल है, फर्नीचर जो पिछले सालों में मात्र 3 आई के अंदर, एक हॉल से कम, एक हॉल में 4 आई होती हैं तो 3 आई के अंदर फर्नीचर लगाया जाता था, इस बार फर्नीचर भी अपने आप में अलग से करीब 20,000 स्क्वायर मीटर का डिस्प्ले एरिया फर्नीचर का है जो हॉल नंबर 5 और 6 के अंदर है जिसमें जोधपुर सहारनपुर बाकी जगह के लोग हैं। तो एक तो फेयर को पूरी तरह से सेक्शनाइज कर दिया गया, दूसरा सेक्शन करते हुए हमने देखा कि अधिक से अधिक जो सेक्शंस हैं अपने आप में अलग से भरे। कारपेट जो पहले कभी नहीं होता था इस बार कारपेट के ऊपर एक पूरा हॉल है फेयर के अंदर, लैंप लाइटिंग बताया उसका पूरा हॉल है, फैशन ज्वेलरी का पूरा हॉल है। सो इस तरह से इस फेयर के अंदर में अलग अलग चीज़ें हमने प्रोवाइड किए हैं ताकि बायर इसमें बड़ी सुविधा के साथ अपने प्रोडक्ट को जो है पिकअप कर सके। मेले का प्रचार जब और देशों में किया गया है तो आपको हमारे फ्रेंड साहब बताएंगे कितने देशों से लोग आ रहे हैं और क्या है, कितने लोग आ रहे हैं सब आपको बताएंगे, लेकिन पहली मरतबा हमने इसमें जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म दोनों देश के अंदर में बहुत बड़ा फॉरन एक्सचेंज में इजाफा कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फेयर में
इस बार प्रोडक्ट के साथ में कल्चर और जो भारतीय परंपरा है उसको भी जोड़ा है। इसके चलते फेयर में जगह जगह कल्चर से रिलेटेड काफ़ी सेगमेंट इसमें ऐड किए गए हैं और हर रोज दिन में दो बार कल्चर से रिलेटेड परफॉर्मेंसेज होंगी। इसके अतिरिक्त जब गेस्ट आएंगे उनका कल्चर एक पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा, जिसके अंदर में हर रोज डिफरेंट कल्चर के लोग जो हैं वहाँ पर दिखाई दिए जाएंगे, वो उसका करेंगे। फैशन शो पांचों दिन ऊपर के हॉल में, जहाँ फैशन ज्वेलरी सेगमेंट है, पांचों दिन फैशन शो होगा और एक दिन में दो मरतबा फैशन शो होगा। और ये फैशन शो कोई पांच तारा होटल में होने वाला मात्र पब्लिसिटी वाला फैशन शो नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक फैशन शो है। यानी कि इसके अंदर जो मॉडल व रैंक पर रहेंगे, वो मॉडल जो प्रोडक्ट हॉल के अंदर अवेलेबल होंगे, उन्हीं के प्रोडक्ट को लेकर के वो दिखाएंगे, ताकि बायर ये समझ सके कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये किसी भी परिधान के साथ या किसी भी जो व्यक्ति है, जो महिला है पुरुष है, उसके ऊपर किस तरह से ये अच्छी तरह से लगते हैं। सो उसका एक प्रॉपर डिस्प्ले की तरीके से उसको वहाँ पर लाइव डिस्प्ले दिखाया जाएगा। सो ये एक इम्पोर्टेंट बात वहाँ पर हमने इसको मान करके रखी है। ये कुल मिलाकर के इसकी छोटी छोटी झांकियाँ हैं। हमने दो चीज़ें नई इस बार ऐड की हैं, जिस पर बाद में मेरे मित्र यहाँ पर करण रेखवानी है, वो भी बताएंगे। पहली मरतबा हम लोगों ने ई कॉमर्स के साथ इस फेयर को जोड़ा है। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर देश में आग्रह किया कि हम लोग आने वाले जो टाइम है, जो यूथ अब आ रहा है, उसके हिसाब से हर चीज़ के लिए हम डिजिटल वर्ल्ड के लिए तैयार करें अपने आप को। तो EPCS ने इसमें पहल की है और डिजिटल वर्ल्ड को तैयार करने में हमने पूरा एक ई कॉमर्स हब तैयार किया है। जब आप अभी अंदर आए होंगे तो बाहर जो आपने बूथ देखे हैं, आपने उसमें देखा होगा ईबे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेपरफ्लाई और जितने भी तमाम बड़े अमेजोन, जितने भी तमाम बड़े प्लेयर इससे जुड़े हुए हैं, वो सब हमारे यहाँ ई कॉमर्स के लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो दिन में दो बार ई कॉमर्स के ऊपर लोगों के साथ अपनी बातचीत करेंगे और वहाँ पर सेमिनार करेंगे।